आप सभी का स्वागत है ईआईएस पोजिशन में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी यूजी पीजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेज के एग्जाम अभी आपके दिसंबर और जनवरी के टाइम पे करवाए गए हैं और सभी के सेमेस्टर के रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे जो कि सभी को इंतजार है। और इसके साथ ही अभी सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो जारी भी किए गए हैं, कल के डेट में भी जो आपके रिजल्ट हैं वो जारी किए गए हैं और चेक करने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको लेकर सारी बातें बिल्कुल विस्तार से करने वाले। सबसे पहले तो यहाँ पे बता दें कि जितने भी छात्र छात्राओं के अभी तक अलग अलग कोर्सेज के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और रिजल्ट चेक करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो अभी आप लोग को एक सवाल ये भी है कि आपका बैक लगा है इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो शो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बिल्कुल भी किसी भी भ्रम की स्थिति में मत रहिए कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक है जिसकी वजह से आप अपने रिजल्ट को चेक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट जारी किया गया था वो 25 फरवरी से जारी किया गया था, कल भी 2 मार्च के डेट में अलग अलग कोर्सेज के रिजल्ट जारी किए गए हैं और यहाँ पे रिजल्ट चेक ना हो पाने के कारण आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। कॉलेज की ओर से यानी यूनिवर्सिटी की ओर से अभी जो आपके डाटा अपलोडिंग के काम है वो किए जा रहे हैं, अभी जो लिंक है वो टाइमली पे एक्टिवेट करने थे, यानी जो आपके रिजल्ट हैं वो टाइमली पे जारी कर दिए जाए, जिसको लेके लिंक एक्टिवेट तो कर दिया गया है लेकिन आपके जो रिजल्ट हैं वो अभी शो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जब भी यूनिवर्सिटी की ओर से डाटा अपलोड जो कि अभी किए जा रहे हैं तो तकरीबन 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा और 4 से 5 दिन में सभी के जो रिजल्ट हैं वो शो होने लगेगा, तो आपको 4 से 5 दिन का इंतजार कर लेना। बाकी बैक होने की वजह से आपका रिजल्ट शो नहीं हो पा रहा तो ऐसे किसी भी भ्रम की स्थिति में मत रहिए, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सभी के रिजल्ट 4 से 5 दिन में शो होने लगेंगे जो भी रिजल्ट अभी जारी कर दिए। बाकी यहाँ पे जितने भी बीए बीएससी बीकॉम आपके दिसंबर में जनवरी के टाइम पे जितने भी अलग अलग कोर्सेज के एग्जाम करवाए गए हैं तो आप सभी के रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा और 15 मार्च से पहले जो भी पीजी के कोर्सेज हैं वो सभी रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। बीए बीएससी बीकॉम के जो रिजल्ट होंगे वो आपके 15 मार्च के बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन 25 मार्च से पहले सभी कोर्सेज के रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि बीए बीएससी बीकॉम में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो सारी चीज़ें अपलोड किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिजल्ट आने में थोड़े से लेट हो सकते हैं, लेकिन बाकी सभी के जो रिजल्ट हैं वो भी 25 मार्च से पहले जारी कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है, आपके जो रिजल्ट के पूरे जो डाटा अपलोडिंग के काम है वो किए जा रहे हैं, सर्वर पर जो आपके रिजल्ट हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, तो जल्द ही आप सभी के रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल अपनी परीक्षा से संबंधित स्कॉलरशिप से संबंधित होता है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, हमारी तरफ से हमेशा आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाती है, तो आपको रिप्लाई को कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और पहली बार चैनल पर आते चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें।